नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी सामने ला रहे हैं जो उन तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो हट्टे कट्टे बदन के साथ भीख मांगते हैं, और ये वीडियो देखकर वो जरूर भीख मांगना छोड़ देंगे। नाज़रीन, ये कहानी है जिला बाजावर से ताल्लुक रखने वाले हनान की। मेरा नाम अब्दुल हनान, फ्राम बाजावर एजेंसी से हो। हमारा वालिद का नाम अब्दुल मनान। हमारा वालिद साहब जो है वो पालिश करते हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरा दो छोटा और भाई है। घर का कमाने वाला मैं हूँ। मेरा वालिद साहब जो है वो जूती पालिश करते हैं। और मेरा शादी हो गया। उम्र मेरा है 21 साल। दी मेरा 6 माह हो गया। हनान शुरू में एक सेहतमंद इंसान था। कुदरत का ये हुआ कि एक दिन हनान बीमार हो गया, जिस पर डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन लगवाया। इंजेक्शन गलत लगने से हनान अपने दाएं पांव से मजूर हो गया। हमारे पांव जो है मजूर हो गया, वो हमारे इलाके में एक डॉक्टर ने टीका गलत लगवाया, उसकी वजह से मेरा टांग को वो हो गया फोलियो। मुझे भी ख्वाहिश है मैं सीधा चलूँगा। अल्लाह पाक ने मुझे ये करवा दिया। मैं अल्लाह से इसमें भी शुक्र अदा करता हूँ। और मुझे बहुत फख्र है, मैं अपना काम करता हूँ और अपने हाथों से करता हूँ। माजूरी ने हनान का हौसला पस्त नहीं किया और वो अपने मजूर पाँव से पंजाब यूनिवर्सिटी में कावा और लस्सी बेचता है। मेरा पढ़ाई का बहुत शौक था। गुर्बत का और गरीबी की वजह से हमने पढ़ाई छोड़ दिया। अभी इधर यूनिवर्सिटी में आके कावा बेचता हो। हम बाजावर से आगे हो, हमारा उधर बाजावर में आसान काम नहीं मिला, मजदूर था। फिर हमारे वाले साहब इस यूनिवर्सिटी में 40 साल से पालिश करता था। और अबू ने बोला हुआ आप हॉस्टल में घूम फिर के कावा बेचा करो। फिर वो जब इधर पीछे आए उठल आ गया। फिर उस इधर पीछे उठल पे हमने एक जगह पे गाभी कावा लगाए, वो थोड़ा सा आसानी हो गया। मतलब अबू से मैंने मशवरा लिया मैं इधर बैठ के बेचूंगा। थोड़ा चलने फिरने की मुझे बहुत तकलीफ होते हैं, मेरा टांग दर्द करते हैं। कारोबार के अलावा हनान अपने गांव के आवाम का भी सोचता है और आवाम की खिदमत के लिए वो सियासत में आना चाहता है। मैं अपना इलाके का मजदूर का जितना भी उधर मजदूर है, स्पेशल पर्सन लोग है, उसको मैं सदर हो। मैंने ये सोचा था उसके लिए मैं निकलूँगा और उसके लिए मैं सियासत पे आऊँगा। उसके लिए एक जैसे मतलब हर बंदे के लिए इलेक्शन, मतलब मजदूर बंदे के लिए इलेक्शन में इसके लड़ूंगा, उसका खैर उसका फिर काम करूंगा। उसके लिए मुश्किल हालात ठांगे बनवा दूंगा किसी अस्पतालों से। मैंने उधर फिर एक दफ़ा इलेक्शन में भी खड़ा हो गया बाजावड़ में। तो फिर मैंने गुर्बत की वजह से उधर इलेक्शन छोड़ दिया। हुआ इलेक्शन वापस करवाया, मेरे पास इतना खर्चा नहीं था, मैं उसका खर्चा बर्दाश्त करूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी में 10 साल से काम करने वाले हनान को यूनिवर्सिटी का हर तालिब इल्म जानता है। जी, इस वक्त हम पंजाब यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठे हैं। यहाँ पे मैं इस मेजर का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं स्पेशली खाना खाने इधर आता हूँ, क्योंकि खाना इधर का बहुत अच्छा है। और स्पेशली ये खान साहब का कावा बहुत बहुत ही अच्छा है। जब भी हम लाजमी पीता हूँ मैं, तो आप लोग भी जब आएँ ज़रूर पिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ये पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, इसमें स्टार्टिंग में तो ये नहीं थे, जब से मतलब ये हैं। एक तो इनके ये देख के भी बड़ा वो बंदा हैरान होता है कि कितने हार्ड वर्क है, और इनका जो ये टेस्ट है, एक तो हमारे लिए तो वैसे ही अच्छा है, लेकिन इनका टेस्ट बहुत आला है। मैं पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी में आया हूँ और आज हनान भाई का कावा पिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत टेस्टी है, और पीने में बहुत मज़ा आया, और इसकी देने का तरीका और सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत इंजॉय किया। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सैयद असदुर रहमान, पंजाब यूनिवर्सिटी से, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पर हमारे पास हैं अब्दुल हनान, जो कि हमारे पास यहां पे मंजूर ढाबा पे वो अपने कावा बेचते हैं। एक मजदूर इंसान है, इसके बावजूद वो अपनी सख्त मेहनत कर रहे हैं और अपने बच्चों का और अपनी बीवी का और अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं। कावा जो के बेच रहा होता है, और इस कावे का जो टेस्ट है वो आपको कहीं किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगी जो इस कावे में जो टेस्ट है। हनान चूँकि एक मजदूर लड़का है और जो कि जिस मेहनत के साथ ये कमा रहा है, मैं इसके इस मेहनत को यानी इसके इस स्ट्रगल को सलाम करता हूँ। बहरहाल मैं सबको ये कहूँगा कि आप ज़िंदगी में एक बार यहाँ पे हनान के चाय का टेस्ट ज़रूर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं जी मेरा ताल्लुक पंजाब यूनिवर्सिटी का, मैं स्टूडेंट हूँ। इस टाइम मैं पीसी ढाबे में, हमारा एक ये जो है खान साहब है हनान जिनका नाम है, जो यहाँ पे कावा और ये लस्सी वगैरह देते हैं स्टूडेंट्स को,
काफ़ी मेहनत के साथ मतलब ये बनाते हैं और करते हैं, क्योंकि इनकी एक टांग का भी है, जिसके बावजूद भी ये अपने काम में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और बहुत मेहनत से बनाते हैं कावा। ये इन्होंने यहाँ का ट्रेडिशनल मतलब इनके इलाके की ये सखावत है, ये कावा जिनको इन्होंने ना कायम रखा हुआ है इस पंजाब यूनिवर्सिटी में। और ये बहुत ही मेहनती इंसान है, अल्लाह इनको और इसका दे अजर दे। हनान जो है बेसिकली एक मोटिवेशन का नाम है। आपको पता चलता है कि जब आपकी लाइफ में बैरियर्स आते हैं, जब मुश्किलात आती हैं, जब आप एक ऐसे स्टेज पे होते हैं जब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी जब आप अपनी लाइफ में स्टेप लेते हैं, आप मूव करते हैं, तब आपको पता चलता है कि लाइफ इतनी मुश्किल नहीं थी। अब कोई इंसान ग्रैटिट्यूड नहीं करता, वो शुक्र अदा नहीं करता कि मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है। हनान बताता है कि एक माजूर शख्स होने के बावजूद भी वो कितनी मेहनत करता है। वो जब अपने गांव में था तो गुर्बत कितनी थी, वो अपने बाप को जूते पॉलिश करता देखता था, तो उसके बावजूद भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं जाके किसी के आगे हाथ फैलाऊं, जाके मैं कहूं कि मुझे कुछ पैसे दे दें, मुझे भीख दे दें, कुछ भी दे दें, क्योंकि ये एक इंसान की गरज गवारा नहीं करती। ये एक मोटिवेशन होती है जो आपको बताती है कि आपने आगे करना क्या है, आपने मूव फॉरवर्ड करना है। तो उसने इस मोटिवेशन को लेके चला है, वो घर से बहुत दूर आ गया, पंजाब यूनिवर्सिटी बाजावर एजेंसी से बहुत दूर है, यहाँ पे आके वो एक कावा बेचता है, कावे वालों को मतलब यहाँ पे सर्व करता है, एक बंदे को जो पहले हॉस्टल में चल चल के सबको सर्व करता था, अब यहाँ पे बैठ के सर्व करता है। तो ये एक मोटिवेशन है, वो आपको बताती है कि आप लाइफ में जिस भी हालत में हों, जिस सिचुएशन में भी हों, तो आपको वहाँ पे फॉल करना पड़ता है, तो आपको एक डिटर्मिनेशन के साथ काम करना पड़ता है, दैट्स इट। हनान जैसे लोग मुआशरे के लिए एक मिसाल है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए।